नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने मंगलवार को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही साथ इस अवसर पर मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने सौर खंड का भी अवलोकन किया और संग्रहालय का भी अवलोकन किया। आपको बता दें कि पुलिस महानिदेशक ने संग्रहालय में मध्य प्रदेश पुलिस को समर्पित खंड का विशेष रूप से अवलोकन किया, साथ ही आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर प्रदेश के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भवन श्री मुकेश जैन सहित अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि देश की राजधानी नई दिल्ली के चाणकपुरी क्षेत्र में बने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक परिसर में सौर शिला की स्थापना उन बलिदान पुलिस कर्मियों के सम्मान में की गई है जिन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। यहाँ स्थित संग्रहालय में शहीद पुलिस कर्मियों की स्मृतियां सजोने के लिए समर्पित किया गया है। संग्रहालय में पुलिस प्रणाली के इतिहास और उसमें होने वाले निरंतर विकास को भी प्रदर्शित किया गया है। साथ ही साथ सौर गाथा खंड में उन 35,134 पुलिस कर्मियों के नाम उत्कीर्ण किए गए हैं जिन्होंने आजादी के बाद कर्तव्य पालन के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। अरे साहब, अब आपके खोड़ा आप निवेदन कर रहे हैं खोपड़ा का है क्या? निवेदन क्या कर सकते तो बस हो गया, नहीं करते आप बात करिए, ये बात नहीं कर सकते। क्या करे, लास्ट में मरता क्या ना करता साहब, क्या करेगा जो लास्ट में बचता क्या है। कोई शौक लगा था भूखे रहने से, 6 बजे से बैठे हैं साहब, जरूरी है क्या हम लोग? अरे वर्मा, अरे सामने आ, तू कहाँ घुसा, इधर चल, लगा उसको जहर। अरे एक बात और बता, दूर जा थोड़ा। द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।